गाजा के रण और यूक्रेन की जंग के बीच दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है, जिसके बाद अमेरिका और नेटो देशों ने हिटलर के उन हथियारों की खोज शुरू कर दी जिसे 80 साल पहले समंदर में दफन कर दिया गया था। अगर हिटलर का ये विध्वंसक जखीरा नेटो को मिला तो रूस के लिए अमेरिका से जीतना नामुमकिन हो जाएगा। इधर पुतिन ने ब्लैक सी में अंडर वाटर टनल पर काम शुरू कर दिया है जिसमें चीन उसके साथ है। इस अंडर वाटर टनल के पीछे पुतिन का मकसद आखिर है क्या और हिटलर के वो कौन से हथियार हैं जिसकी तलाश अब अमेरिका और नेटो देश करने में जुटे हैं, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से समझिए। तारीख अगस्त 1945, जगह बर्लिन जर्मनी। बर्लिन के शहर पोर्टस्डैम में 20 दिनों तक चली मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और सोवियत संघ के राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिन मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्मनी की हार के बाद उसके भविष्य पर बात हुई, साथ ही उन केमिकल हथियारों पर जिन्हें खास तौर से हिटलर के वॉर साइंटिस्ट ने तैयार किया था। तय हुआ कि इन केमिकल हथियारों को समंदर में डुबो दिया जाएगा। अगले 3 सालों तक समंदर की गहराइयों में अलग अलग जगहों पर इन हथियारों को दफना दिया गया। तारीख नवंबर 2023, जगह बाल्टिक सागर। अब 80 साल बाद बाल्टिक सी में समुद्र मंथन होने जा रहा है। समंदर की गहराइयों में उन विनाशक हथियारों की खोज होने जा रही है जिन्हें हिटलर ने खास तौर से तैयार करवाया था अपने दुश्मनों को तिल तिल कर मारने के लिए। बाल्टिक सागर की इन गहराइयों में हिटलर के केमिकल हथियारों की खोज नाटो देश करने वाले हैं जिसने एक बार फिर ब्लू वॉर जोन में उफान ला दिया है। नाटो देश बाल्टिक सी में बड़ा खोजी अभियान शुरू करने जा रहे हैं जिसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। नाटो की गुस्ताखी से रूसी राष्ट्रपति पुतिन आग बबूला है और समंदर में रूसी युद्धपोत गर्जना कर रहा है। रूस ने साफ शब्दों में कह दिया है कि नाटो का यह कदम दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध लेकर आएगा। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मई 1945 में जर्मनी ने सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सोवियत संघ ने जर्मनी के केमिकल हथियारों पर कब्जा कर लिया जिसमें तकरीबन 65,000 टन सक्रिय केमिकल हथियार थे, जिसके बाद अगस्त 1945 में अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन के बीच पोर्टस्डैम समझौता हुआ। समझौते में तय हुआ कि इन केमिकल हथियारों को समंदर की गहराइयों में डुबो दिया जाएगा। पोर्ट्समैन समझौते पर अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन ने हस्ताक्षर किए, जिसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने अटलांटिक महासागर में केमिकल हथियार को डंप कर दिया, जबकि सोवियत संघ ने इन हथियारों को बाल्टिक सागर की गहराइयों में फेंक दिया। हेलसिंकी आयोग यानी हेलकॉम की रिपोर्ट के मुताबिक समंदर में 150 से 300 जगहों पर केमिकल हथियार डुबोए गए थे। हिटलर के केमिकल हथियारों का बड़ा हिस्सा सोवियत संघ के पास था जिसमें से तकरीबन 40,000 टन केमिकल हथियार रूस ने बाल्टिक सागर में दफना दिया। ज्यादातर हथियारों को बॉर्नहोम और गोटलैंड द्वीपों के पास दफनाया गया। ये दोनों ही द्वीप स्वीडन और फिनलैंड के पास हैं। रूस का दावा है कि अब इसी केमिकल जखीरे की तलाश में नाटो देश बाल्टिक सागर में समुद्र मंथन करने वाले हैं, जिसके लिए बीते कुछ दिनों से नाटो देशों के युद्धपोत बार बार इन इलाकों में गश्त कर रहे हैं, जिसके खिलाफ रूस ने भी तैयारी शुरू कर दी। बाल्टिक सागर में रूसी युद्धपोत बारूद बरसा रहे हैं। रूस की नौसेना कैलिबर मिसाइलों से डमी युद्धपोतों को तबाह करने की ड्रिल कर रही है।
रूस के टोही विमान लगातार बाल्टिक क्षेत्र में उड़ान भर रहे हैं ताकि नाटो की गतिविधियों पर बारीक नजर रखी जा सके। रूस ने इसे लेकर नाटो और यूरोपियन यूनियन को कड़ी चेतावनी दी। रूसी विदेश मंत्रालय में यूरोपीय विभाग के निदेशक सर्गेई बिलायेव ने कहा, बाल्टिक सागर में नाटो की गतिविधियां चिंता बढ़ाने वाली है। नाटो समंदर में फेंके गए रासायनिक हथियारों की खोज कर रहा है। यह कदम बेहद गंभीर परिणाम लेकर आएगा। रूस का दावा है कि नाटो का प्रोग्राम बेहद सीक्रेट है और इसीलिए पहली बार रूस फिनलैंड के बॉर्डर भी बंद कर दिए गए। एक तरफ नाटो बाल्टिक सी में मंथन कर रहा है तो दूसरी ओर रूस ने ब्लैक सी में अंडरवाटर टनल पर काम शुरू कर दिया है। रूस के इस फैसले से अमेरिका और नाटो देश भड़क उठे हैं और रूस को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। दरअसल रूस क्रीमिया से मेनलैंड तक अंडरवाटर टनल बनाने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी चीन को दी गई है। चीनी कंपनियां बहुत जल्द पुतिन के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगी। दरअसल कर्च ब्रिज पर यूक्रेन लगातार हमले कर रहा है। वो दो बार कर्च ब्रिज को नुकसान पहुंचा चुका है जिससे क्रीमिया और रूस का कनेक्शन टूटने का डर है। ऐसे में अब पुतिन अंडरवाटर टनल के जरिए क्रीमिया और रूस को जोड़ने की कोशिश में है जिसका अमेरिका और नाटो देश विरोध कर रहे हैं। साफ है, कहीं नाटो रूस को तो कहीं रूस नाटो को उकसा रहा है जिससे ब्लैक सी से लेकर बाल्टिक सी तक समंदर में जंग की चिंगारी भड़क रही है जो कभी भी जंगी ज्वाला में बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।